नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां योगी सरकार का बड़ा निर्देश, एनसीआर की तर्ज पर गठित होगा उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है लखनऊ और आसपास के जिलों को शामिल कर प्रस्ताव तैयार करने के आदेश सीएम ने दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में भूमाफिया स्वीकार नहीं, भूमाफियाओं पर विकास प्राधिकरण तेज कार्रवाई करें, नगरीय निकाय भी भूमाफियाओं पर कार्रवाई तेज करें। सोलर सिटी अयोध्या दुनिया को ऊर्जा संरक्षण का संदेश देगी, निवेश रोजगार और नवाचार के लिए प्रयास करने की बात भी सीएम ने कही है। साथ ही कई विभागों की समीक्षा भी की, जिसमें सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के लिए सीएम ने प्रस्ताव भी मांगा है। और खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे जी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, योगी सरकार ने बड़े निर्देश दिए, एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र गठित किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है, अभी देखा जा रहा है कि 25 करोड़ पहुंचने वाली है, और 25 करोड़ जो पॉपुलेशन है और उसकी एक राजधानी है लखनऊ। लखनऊ में हर जिले के लोग लखनऊ आ रहे हैं और वो अपने यहीं पे अपना वो काम भी करना चाहते हैं और अपना आवास भी बनाना चाहते हैं, अपनी ऑफिस भी बनाना चाहते हैं। लगातार लखनऊ राजधानी पे लोगों का जो वो आना जाना है वो बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए जो दिल्ली की तर्ज पे, जैसे दिल्ली में एनसीआर है, जहां पर दिल्ली के नजदीक के कुछ जिलों को लिया गया है उसको एनसीआर रीजन बनाया गया है, जिसमें गाजियाबाद भी है, नोएडा भी है, गुड़गांव भी है, यानी हरियाणा राज्य के भी जिले हैं और उत्तर प्रदेश के भी जिले हैं। तो ऐसे और दिल्ली के आउटर को कुछ चारों तरफ से मिलाकर एक एनसीआर रीजन बनाया गया है। ऐसे योगी जी ने भी कहा है कि लखनऊ को थोड़ा सा आप बड़े पैमाने पे देखिए, भविष्य को देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आने वाले समय, आने वाले दिनों में जब चीजें बढ़ेंगी तो बहुत दिक्कत होगी, और ये दिक्कत ना हो तो इसका एक एरिया तय किया जाए। तो निश्चित तौर से जो लखनऊ से सटे हुए जिले हों, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे वो इधर ये सुल्तानपुर, इधर ये अमेठी, इधर लखीमपुर खीरी, इन सब जो ये जो जिले आ रहे हैं, इन जिलों में निश्चित तौर से इसको एनसीआर में करके कुछ मिलाया जाएगा और आगे इस तरह का कुछ प्रस्ताव बन के अब इसे काम तेजी से होगा। जी बिल्कुल, काम तो तेजी से होंगे ही, साथ ही एक्शन मोड में भी सीएम नजर आ रहे हैं। राघवेंद्र जी, सीएम योगी ने कई विभागों की समीक्षा भी की है, जिसमें कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए, क्या कुछ इन समीक्षा बैठकों में सामने और किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ बैठते, वो भी सुबह भी बैठते हैं और शाम को भी बैठते हैं, और समीक्षा वो लगातार करते हैं। साथ ही समीक्षा नहीं, वह जो काम मतलब कि कहते हैं कि ये काम इस पे देखिए, और वो तय भी करते हैं कि इसको 6 महीने में या 3 महीने में या 1 साल का इसका एक टारगेट बनाओ, और हमें स्टेप दर स्टेप इसकी पूरी जानकारी हमको चाहिए, पूरा अपडेट चाहिए। अगर उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही होती है तो आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक सूची बनी थी, जिसमें ऐसे अधिकारियों की सूची बनी है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, जिन्होंने अपने काम में ढिलाई की थी, अब उनके ऊपर एक्शन की तलवार लटकी हुई है, पूरी तरह से कार्रवाई हो सकती है ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर। तो मुख्यमंत्री जवाबदेही सुनिश्चित कराना मतलब जानते हैं, और वो चाहते भी हैं कि कोई भी अगर आप काम करें तो उसकी जो तारीख हो और उसकी जो जवाबदेही हो वो भी पूरी तरह से तय हो रही थी। जी बिल्कुल, तमाम तरह के निर्देश भी दिए जा रहे हैं, आप बने रहिए राघवेंद्र जी, आपके पास फिर लौटेंगे। तो बड़े निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी गठित होगा, साथ ही साथ समीक्षा बैठकें भी लगातार सीएम करते जा रहे हैं।